फेज में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 96 सीटों पर 68% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा 78% वोट पश्चिम बंगाल में, जबकि जम्मू कश्मीर में सबसे कम 38% वोट पड़े। पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में 3 लोगों की अलग अलग वजह से मौत हो गई। देश के गुंटूर से वाईएसआर कांग्रेस के एमएलए अन्ना बाथुनी शिव कुमार ने एक बूथ पर वोटर को थप्पड़ जड़ दिया। भाजपा आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से दिल्ली सीएम हाउस में मारपीट हुई। ये मारपीट अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने की। हालांकि दिल्ली महिला आयोग और आम आदमी पार्टी ने इस घटना की पुष्टि नहीं की है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि उन्हें सुबह 9:30 बजे एक PCR कॉल मिली, जिसमें कॉल करने वाले ने कहा कि उसके साथ सीएम आवास के अंदर मारपीट की गई है। कुछ समय बाद सांसद स्वाति मालीवाल पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स आई, लेकिन इस मामले में उनकी ओर से कोई शिकायत नहीं दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और छपरा के सारण में जनसभाएं की। उन्होंने मुजफ्फरपुर में कहा कि इंडी गठबंधन वाले बोल रहे हैं पाकिस्तान में चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे नहीं पहनी है तो पहना देंगे। इसके बाद मोदी ने वाराणसी में 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। मोदी आज वाराणसी संसदीय सीट से नामांकन करेंगे। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में जनसभा की। भीड़ से एक लड़की ने पूछा कि राहुल जी आप शादी कब कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा अब जल्दी शादी कर लूंगा। राहुल ने कहा कि रायबरेली मेरी 2 माताओं इंदिरा और सोनिया गांधी की कर्मभूमि है, इसलिए यहां से चुनाव लड़ने आया हूं। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने 22 उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। भारत ने ईरान के चाबहार में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट को 10 साल के लिए लीज पर ले लिया है। अब पोर्ट का पूरा मैनेजमेंट भारत के पास होगा। ये पोर्ट भारत और अफगानिस्तान को व्यापार के लिए वैकल्पिक रास्ता मुहैया कराएगा। डील के तहत भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड चाबहार पोर्ट में $120 मिलियन का निवेश करेगी। ईरान, भारत और अफगानिस्तान ने चाबहार पोर्ट को विकसित करने के लिए मई 2016 में त्रिपक्षीय समझौता भी किया था। अब वो खबर जिस पे होगी हमारी नजर। सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि विज्ञापन केस की सुनवाई होगी। अदालत ने विवादित बयान पर IMA प्रेसिडेंट से जवाब मांगा है। दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच IPL मुकाबला होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला